राफेल लड़ाकू विमान पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। राफेल पर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार की बड़ी राहत। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांस के साथ हुई 36 लड़ाकू विमान की डील मामले में क्लीन चिट दे दी है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने राफेल मामले में दायर की गई सभी पुनर्याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला पढ़ते हुए याचिकाकर्ताओं की ओर से सौदे की प्रक्रिया में गड़बड़ी की दलीलें खारिज की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दो टुक कहा है कि हमें ऐसा नहीं लगता कि इस मामले में कोई FIR दर्ज होनी चाहिए या फिर किसी तरह की जांच की जानी चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को राफेल मामले में दाखिल रिव्यू पिटीशन पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी और अन्य की ओर से राफेल डील मामले में जांच की मांग की गई थी। केंद्र सरकार ने कहा कि राफेल देश की जरूरत है और याचिका खारिज करने की मांग की। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने इस पर फैसला दे दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट का 14 दिसंबर 2018 का जजमेंट खारिज किया जाए और राफेल डील की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराई जाए। प्रशांत भूषण ने इस दौरान कहा कि केंद्र सरकार ने कई फैक्ट सुप्रीम कोर्ट से छिपाए। दस्तावेज दिखाता है कि PMO ने पैरेलल बातचीत की थी और ये गलत है। पहली नजर में मामला संज्ञेय अपराध का बनता है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पुराना जजमेंट कहता है कि संज्ञेय अपराध में केस दर्ज होना चाहिए। इस मामले में भी संज्ञेय अपराध हुआ है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में जांच का आदेश देना चाहिए। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से यहां तक कहा गया था कि जजमेंट गलत तथ्यों पर आधारित है क्योंकि केंद्र सरकार ने सील बंद लिफाफे में गलत तथ्य कोर्ट के सामने पेश किए थे। यहाँ तक कि सरकार ने खुद ही कोर्ट के सामने जजमेंट के अगले दिन 15 दिसंबर 2018 को अपनी गलती सुधार कर दोबारा आवेदन दाखिल किया था। याचिकाकर्ताओं ने लीक दस्तावेजों के हवाले से आरोप लगाया था कि डील में PMO ने रक्षा मंत्रालय को बगैर भरोसे में लिए अपनी ओर से बातचीत की। कोर्ट में विमान डील की कीमत को लेकर भी याचिका डील की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।